नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। ये ठीक की हाइट पूरी हो रही है भाई, देखो लंबाई बहुत है और ठीक में जुताई कर रही है ट्रैक्टर से। एस्कॉर्ट मारुति मॉडल और भाई एक कल्टीवेटर चल रही है तीन पीछे। ये राणा जी का कमाल है, बैलों आधारित खेती हो रही थी पहले, अब ट्रैक्टर आधारित खेती करने लगे भाई। बैल इतनी धरती होने के साथ साथ भाई बैल पूरा नहीं पाड़ पाते, जुताई कम कर पावे इनके भाई साहब के पास। और तीन कल्टीवेटर जोड़ रखे ट्रैक्टर के पीछे। इस कल्टीवेटर का ये फायदा भाई, कांची पट्टे उसकी भी जानकारी सही हो जा और रंठे भी देख ले, अप डाउन कर ले, इधर उधर कर लेते हैं कल्टीवेटर को। और बहुत बढ़िया वाहन हो रहा, कम से कम जो एक भाणे के हुआ है 20-25 बीघे एक डेली बुआई कर रहे। ठाकुर साहब के पास एक नुकरी घोड़ी भी है, देखो भाई बहुत हाइट में जबरदस्त है, बहुत सुंदरता है इस घोड़ी पे। एक खेती के साथ साथ शौक भी बहुत जरूरी है, जो शौक करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे भाई, बिना शौक तो कुछ हो ही नहीं सकता। बंद कर दिया ट्रैक्टर और रुक जा पहले यूरा आपने जवाब बदल। राणा जी जैसा आप इतना बड़ा बोर्ड भारे ट्रैक्टर थे, फागण का जो बोर्ड है आपका, ये गन्ना तो टूटेगा, देखो टूट भी रहा। जो घर में बैल है किस वजह बैलों से क्यों नहीं भारे, और ट्रैक्टर से किस वजह से जुताई कर रहे इसकी ट्रैक्टर से? हाँ, बैल तो काम नहीं चलता। बैल से क्यों नहीं काम चल रहा? बैल तो 10-20 बीघे रोज बांध ज्यादा बोना पड़े। अच्छा 10-20 बीघे काम आवे? अच्छा 6-7 बीघे ऊपर नीचे हो जा। अच्छा और भी काम बहुत रहे हैं। हाँ और फिर ट्रैक्टर का टूटे हुए कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा एक बार और इसमें यूरिया फालतू घेर गए। हाँ दोरो में सब बराबर हो जाएगा। अच्छा ट्रैक्टर तो लगभग एक दिन में सुबह और शाम में कितने बीघे के बाद हो आप? 40 बीघे बाद है। 40-50 बीघे के बाद हो? तीन जने देखो भाई पीछे, तीन जने ये कल्टीवेटर लेके चले और ये भाई वो करे। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी थी। और लगभग जो अब तो तू 3 महीने बाद आके देखे जब बंदाई का टाइम होगा। ठीक है तो सब एक सार पाओगा, एक सार अच्छा, बंदा सारा। अच्छा एक मैंने ये सुना या 15-0-23 वैरायटी है जो वो आपने 10 बीघे बोई थी जी। आजकल का जो किसान है 1 बीघा बो दी, आधा बीघा बो दी, 10 खूट बो दी, 5 बीघे खूट बोए, आपने 10 बीघे जो 15-0-23 वैरायटी वो किस लिए बोई 10 बीघे? वो इसलिए बोई बीज ठीक ठाक है, कीड़ा नहीं है इसमें, एक तो कीड़ा नहीं है, ब्यांत भी ठीक है। अच्छा ब्यांत भी ठीक है, आगे भविष्य में बीज भी खराब होता जा रहा। अच्छा इसमें एक वो काली तुसी की लिगड़ लगी, झुंड के झुंड खराब। हाँ वो फंगस टाइप होता है उसमें, फंगस टाइप है, उसका कुछ इलाज भी नहीं। हाँ तो ऐसा ना हो आधा उसका बोलेंगे, आधा उसका बोलेंगे, एकदम से फिर बैठ जा। अच्छा एक नई वैरायटी है 13-235, उसके विषय में भी जानते हो? नहीं अभी आ नहीं आ।
अच्छा ठीक है, वो चलो वो भी बात है, थोड़ी सी जानकारी है दे दू मुझे उस 13-235 की बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे गांव में बुरा उसका जमाव भी बहुत निम्न स्तर का है, बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। देख एक बात तो है, 38 ते बीज तो अर्ली वैरायटी में कभी पहला ना आवे जो इसमें रोग ग्रस्त ना हो, इससे टॉप वैरायटी नहीं है गन्ने में। ये बच्चे की डाल देख रेख करनी पड़े, बच्चे की डाल ये नहीं बताता मेरा बीमारी, इसका तो पहले ही करना पड़े इलाज। ठीक है, धन्यवाद जी राणा जी। ठीक है।